हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई एम आकाश वर्मा, वेलकम टू माय चैनल स्टडी इन द कॉमर्स स्टडी ग्रुप। आज का जो टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और टॉपिक है आज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और गुड्स एंड सर्विस टैक्स का इम्पैक्ट क्या है हमारी जनरल एंट्रीज के ऊपर, आज ये हम टॉपिक सारा का सारा कवर करेंगे। तो आज की वीडियो आपके लिए बड़ी ही इम्पोर्टेंट और आपके लिए बड़ी ही इंटरेस्टिंग वीडियो बन जा रही होने जा रही है, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपके सारे के सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो सके। क्योंकि जीएसटी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस में बच्चों को काफी सारे डाउट्स रहते हैं, स्टूडेंट्स को काफी डाउट रहते हैं, उनको पता नहीं लग पाता कि कब जीएसटी को डेबिट करना है, कब जीएसटी को क्रेडिट करना है, किस केस में इनपुट वैल्यू यूज करना है, किस केस में आउटपुट यूज करना है, किस केस में सीजीएसटी एसजीएसटी यूज करना है, किस केस में आईजीएसटी यूज करना है। आज ये आपके सारे के सारे जो डिफिकल्टीज हैं, सारे के सारे जो आपके डाउट हैं, वो आज आपके क्लियर होंगे। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक हमारा अकाउंटेंसी, प्लस वन क्लास का सिलेबस, और हमारा सिलेबस चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ जर्नल, जिसकी 7 और 8 वीडियोस हमने ऑलरेडी बना ली है। तो आज जो हमने वीडियो बनाने लगे हैं वो है पार्ट 1। सो ट्रीटमेंट ऑफ जीएसटी इन जर्नल, तो जर्नल के केस में, जर्नल के एंट्रीज में जीएसटी का क्या कंसेप्ट है, जीएसटी का क्या इफेक्ट है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जीएसटी की फुल फॉर्म, आप सबको पता होगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हमारे इंडिया ने भी गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी अप्लाई करना शुरू कर दिया है। इससे पहले इनडायरेक्ट टैक्स हुआ करता था, लेकिन वो इनडायरेक्ट टैक्स को खत्म करके अब क्या लगा दिया है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जब भी हम कोई परचेज करते हैं या सेल करते हैं, चाहे गुड्स की चाहे एसेट्स की, तो उस टाइम पे टैक्स हमें भरना पड़ता है, वो होता है हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आप लोगों ने भी देखा होगा, कहीं भी आप कहीं पे शॉपिंग करने जाते हो, आपने कोई शोरूम में जाकर सामान खरीदा, जब आपको बिल मिलता है तो उस बिल के नीचे जीएसटी वगैरह सारा शो होता है। ठीक है, आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो तो वहां पे भी आपको जब बिल मिलता है तो उसमें भी जीएसटी शो होता है। तो आज जीएसटी हर जगह पे ही अप्लाई होता है। तो अब ऑब्वियसली बात है कि ट्रांजेक्शन में जब जीएसटी है तो उसको रिकॉल भी करना पड़ेगा। अब रिकॉल कैसे करना है, किस तरीके से उसके रूल्स हैं, क्या मेथड हमें फॉलो करने हैं, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो मेन कंसेप्ट रखता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स टू टाइप्स के हैं, एक होते हैं इंट्रा स्टेट, एक होते हैं इंटर स्टेट। इंट्रा का मतलब है अगर मान लो मैंने किसी ऐसे आदमी के साथ डील किया है जो विदिन द स्टेट है, विदिन द स्टेट मतलब लाइक हम, मैं अमृतसर से हूँ, ठीक है ना। और मान लो मैंने किसी से सामान खरीदा, चाहे जलंधर से खरीदा हो, चाहे लुधियाना से खरीदा, चाहे पटियाला से खरीदा। अब जलंधर लुधियाना या पटियाला, ये तीनों किसके अंदर आते हैं, पंजाब के अंदर ही आते हैं, दैट इज विदिन द स्टेट। तो अगर हमने कोई भी गुड्स परचेज किए हैं, कोई भी गुड्स सेल किए हैं, कोई भी एसेट परचेज किए हैं, कोई भी एसेट अगर सेल किया है वो है विदिन द स्टेट है, ठीक है ना, तो तब तो हमें लगेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी, तब हम लोगों को सीजीएसटी अलग से और एसजीएसटी अलग से शो करना पड़ता है। लेकिन अगर आपने इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन किया है आउटसाइड द स्टेट, लाइक आई एम फ्रॉम अमृतसर और मैंने अपनी गुड्स बेची है किसी को दिल्ली में, ठीक है, अब दिल्ली क्या है हमारा पंजाब के अंदर नहीं आता, लेकिन आउटसाइड द पंजाब, तो विदिन आउटसाइड द स्टेट, आउटसाइड द स्टेट आपका ट्रांजेक्शन है तो लगेगा आईजीएसटी। नाउ क्या फुल फॉर्म क्या है, सीजीएसटी की फुल फॉर्म है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी की फुल फॉर्म है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और आईजीएसटी की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो आपने बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही याद रखना है कि अगर तो विद इन द स्टेट ट्रांजेक्शन हो रही है, ठीक है, तो सीजीएसटी एसजीएसटी अलग अलग लगेगा, लेकिन अगर आउटसाइड द स्टेट ट्रांजेक्शन हो रही है तो फिर आईजीएसटी लगेगा, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उसमें सीजीएसटी एसजीएसटी अलग अलग नहीं आता, उसमें एक ही आएगा आईजीएसटी। और ज्यादातर क्वेश्चन में हमेशा याद रखिएगा, अगर सीजीएसटी 6% है, एसजीएसटी 6% है, टोटल कितना होगा 12%, आईजीएसटी कितना होगा 12% ही होगा। अगर ये 9%, ये 9% तो ये कितना होगा 18%, ये 3%, तो ये कितना होगा 6%। तो बेसिकली यहाँ पे दो क्लासिफिकेशन की है, सेंट्रल का गवर्नमेंट का शेयर अलग है और स्टेट गवर्नमेंट का शेयर अलग होता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या है सारा का सारा शेयर एक में ही इंक्लूड किया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यहाँ आई होप कि यहाँ तक आपका टॉपिक क्लियर है। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स का मीनिंग, गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या है, बेसिकली एक तरीके का टैक्स लगाया गया है जब हम परचेज या सेल करते हैं, उस टाइम पे जो टैक्स जो हमें पड़ेगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, और बेसिकली है क्या इंडायरेक्ट टैक्स है एक तरीके का। और उसके बाद दो टाइप की कैटेगरी है इसकी, अगर तो आपने ट्रांजेक्शन की है विद इन द स्टेट तो सीजीएसटी एसजीएसटी अलग अलग लगेंगे, लेकिन अगर आपने ट्रांजेक्शन की है आउटसाइड द स्टेट तो आपको सिंगल टैक्स भरना पड़ेगा, दैट इज आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब हम बात करते हैं कि किस टाइम पे जीएसटी को डेबिट करना है, किस टाइम पे इनको क्रेडिट करना है।
आप बड़े कंसेप्ट में खा सकती है, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर कोई आपको बस ये पांच छह चीजें याद रखनी है, अगर ये याद आपको जाएगी सिंपली तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहला पॉइंट, आप हमेशा परचेज को देखो क्या करते हैं, डेबिट। जब भी हम गुड्स खरीदते हैं तो गुड्स आ जाती है डेबिट पर, परचेज को क्या करते हैं डेबिट। अगर परचेज को डेबिट किया ना तो जीएसटी को भी क्या करना है डेबिट ही करना है। और परचेज के साथ हमेशा याद रखिएगा, जब भी परचेज की ट्रांजेक्शन होगी अगर परचेज पर यूज हो रहा है तो जीएसटी के साथ मत लगेगा इनपुट, क्या बात लगेगा इनपुट, वो चाहे इनपुट सीजीएसटी लगे, चाहे वो इनपुट एसजीएसटी लगे, चाहे वो इनपुट आईजीएसटी लगे। तो जब व्हेनेवर द वर्ड परचेज इज यूज्ड, परचेज को क्या आपने किया डेबिट, तो जीएसटी को भी क्या करेंगे डेबिट, और साथ में जीएसटी के साथ मत क्या लिखेंगे इनपुट। अब उसी तरीके से नेक्स्ट है परचेज रिटर्न, परचेज पर हम क्या करते हैं क्रेडिट, क्योंकि मैंने कुछ वापस कर दी गुड्स चली गई क्रेडिट पर हो जाओ, परचेज पर हम क्या करते हैं क्रेडिट, तो उस टाइम जीएसटी को भी क्या करेंगे क्रेडिट ही करेंगे, लेकिन क्योंकि ये वर्ड क्या यूज हमारा परचेज, इसलिए वर्ड यूज क्या करेंगे इनपुट ही वर्ड यूज करेंगे। परचेज के साथ हमेशा याद रखिए, चाहे वो परचेज सिंपल हो चाहे वो परचेज रिटर्न हो, वर्ड हमारा इनपुट ही यूज होगा जीएसटी के साथ। अब आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा, ये तो मैं क्वेश्चन करेंगे आपको जगह रहते हैं बताऊंगा, तब आपके सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। अभी आप बस इतना समझिए इसको। इसके बाद नेक्स्ट आता है सेल्स। सेल्स को क्या करते हैं क्रेडिट, कुछ बेची कुछ चली गई क्रेडिट वाले बोल रहा हूँ, सेल्स क्रेडिट है ना, तो जीएसटी को भी क्या करेंगे क्रेडिट। और सेल्स रिटर्न, सेल्स को हम क्या करते हैं डेबिट, क्योंकि कुछ वापस हमारे पास आ गई डेबिट पर कम से सेल का डेबिट, तो जीएसटी को भी क्या करेंगे डेबिट ही करेंगे। और उसके साथ वर्ड का यूज करेंगे आउटपुट, परचेज के साथ वर्ड का यूज करना इनपुट, सेल्स के साथ वर्ड का यूज करेंगे आउटपुट। अब सेल्स चाहे हमारी सिंपल सेल हो चाहे सेल डर वाली हो, तो वर्ड हमें इसके साथ आउटपुट ही यूज करना है, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंस, डेबिट और एक्सपेंसेस है, तो उसी नॉमिनल अकाउंट का ग्रुप, एक्सपेंस डेबिट है तो जीएसटी भी क्या होगी डेबिट ही होगी। और इनकम, इनकम हमेशा क्या करते हो क्रेडिट, तो जीएसटी क्या करेंगे क्रेडिट ही करेंगे, ठीक है। और इनके साथ याद रखना है एक्सपेंस के साथ वर्ड यूज करना है इनपुट, और इनकम के साथ वर्ड यूज करना है आउटपुट। जब एक्सपेंस की एंट्री डालेंगे तो जीएसटी के साथ वर्ड का यूज करेंगे इनपुट, और जब इनकम की एंट्री डालेंगे तो जीएसटी के साथ वर्ड का यूज करेंगे आउटपुट, ठीक है। और उसके बाद एक और बात क्या रखनी है, परचेज और सेल में तो जीएसटी हो सकती है या तो सीजीएसटी या तो एसजीएसटी या तो आईजीएसटी, या तो सीजीएसटी एसजीएसटी होगी या तो आईजीएसटी होगी, लेकिन एक्सपेंस और इनकम में आईजीएसटी का कंसेप्ट ही नहीं होता, उसमें सिर्फ सीजीएसटी और एसजीएसटी लगती है एक्सपेंस और इनकम के केस में, ठीक है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। अब ये टॉपिक करने के बाद ऐसे तो क्लियर होगा नहीं, हम एक काम करते हैं, तो आप फॉर्मेट वाइज इस सभी टॉपिक की जनरल एंट्रियां बताता हूँ, कैसे कैसे हम इसकी जनरल एंट्रियां डालेंगे, ठीक है। तो जैसे वो आप देख सकते हैं मैंने इन सिक्स ट्रांजेक्शन को लिया है, ठीक है। जैसे पहली ट्रांजेक्शन है फॉर परचेज ऑफ गुड्स विद इन द स्टेट, तो विद इन द स्टेट में क्या लगेगा सीजीएसटी एसजीएसटी, ठीक है। देखो एंट्री बनेगी परचेज को क्या करेंगे डेबिट, एंट्री बनेगी परचेज इज अकाउंट डेबिट, और परचेज के साथ मैंने क्या बताया हमेशा वर्ड का यूज करना है इनपुट, जब भी परचेज है तो वर्ड का यूज करेंगे सीजीएसटी एसजीएसटी का इनपुट, परचेज डेबिट है तो सीजीएसटी एसजीएसटी डेबिट करेगी, एंट्री करेगी इनपुट सीजीएसटी का डेबिट इनपुट एसजीएसटी का डेबिट टू कैश, यहां कोई भी नाम होगा आपको दिया होगा, अगर कुछ ना बताएगा और कैश आएगा, अगर पार्टी का नेम दिया तो पार्टी का नेम आएगा। अब मान लीजिए कि आपको परचेज का अमाउंट दिया 10,000, कितना अमाउंट है परचेज का 10,000। अब इसी 10,000 का हम क्या करेंगे परसेंटेज, हमें परसेंटेज दी होगी, लाइक मान लो आपको 6% दी है, 10,000 का 6% करेंगे 600, और 10,000 के 6% करेंगे 600, तो टोटल कितना आएगा ये 11,200। तो परचेज को क्या किया हमने डेबिट, तो सीजीएसटी एसजीएसटी क्योंकि विद इन द स्टेट है, तो विद इन द स्टेट में क्या लगेगा सीजीएसटी एसजीएसटी, सीजीएसटी एसजीएसटी को भी क्या करेंगे डेबिट ही करेंगे, और साथ में इसके अंदर वर्ड यूज करेंगे इनपुट, एंट्री बन गई परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश। आपको परचेज और उसका अमाउंट हमेशा गिवन होगा, जितना परचेज का अमाउंट होगा उसका उसकी जितनी वैल्यू है उसी वैल्यू के ऊपर हमें क्या लगाना है जीएसटी। राइट मैंने बिल्कुल कैलकुलेशन कैसे की 10,000 मल्टीप्लाई बाय 6% कितना आ गया 600, ठीक है जी। ये होगी हमारी फर्स्ट ट्रांजेक्शन। अब सेकेंड है परचेज ऑफ गुड्स
आउटसाइड द स्टेट, अब आउटसाइड द स्टेट है ना, तो आउटसाइड द स्टेट में क्या लगेगा आईजीएसटी, एंट्री बनेगी अब इसकी परचेजेस अकाउंट डेबिट इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश, अगेन सेम 10,000 की गुड्स है, अब आईजीएसटी कितना होगा आप अमाउंट 12% क्योंकि अगर ये 66% है तो ये कितना होगा 12%, तो अमाउंट आएगा ये 11,200। तो जो भी आपको गुड्स की वैल्यू दी होगी उसी गुड्स की वैल्यू के ऊपर आपने परसेंटेज लगानी है, तो आपका अपने आप जीएसटी का अमाउंट निकल आएगा। तो ये दो ट्रांजेक्शन होगी हमारी परचेज और गुड्स की विद इन द स्टेट और आउटसाइड द स्टेट, और याद रखिए परचेज के साथ वर्क यूज किया हमने इनपुट, जब भी परचेज आया तो हमने जीएसटी के साथ वर्क यूज करेंगे हम अपना इनपुट, विद इन द स्टेट है तो सीजीएसटी एचजीएसटी अलग अलग लगेगा और आउटसाइड द स्टेट है तो आईजीएसटी एक ही लगेगा, तो उसी में हमारा सारा आ जाएगा कंप्लीट। अब नेक्स्ट देखो है गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, हमने गुड्स रिटर्न की एंट्री क्या बनेगी इसकी, सप्लायर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, यही एंट्री बनती है ना। अब परचेज को क्या किया क्रेडिट किया ना, और ये हमने गुड्स रिटर्न की विद इन द स्टेट, क्या लगेगा फिर टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी, तो बड़े अच्छे से कवर कीजिए इस चीज को। देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि अगर परचेज डेबिट है तो सीजीएसटी एचजीएसटी आईजीएसटी भी क्या करना है डेबिट ही करना है, अगर परचेज क्रेडिट है आपको परचेज क्रेडिट भी क्या लिखेंगे साथ में परचेज रिटर्न, तो जब बेसिकली जीएसटी किसको फॉलो करेगा परचेज और सेल को, अगर परचेज डेबिट है तो जीएसटी भी डेबिट होगा, अगर परचेज क्रेडिट है तो जीएसटी भी क्रेडिट होगा, ये विद इन द स्टेट है तो क्या लगा सीजीएसटी एचजीएसटी अलग अलग, और हमेशा परचेज के साथ पर इनपुट ही लगाना है। कई बच्चे कहते हैं सर यहाँ पे हमने इनपुट वाले यूज किया तो यहाँ पे आउटपुट नहीं आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे डेबिट है यहाँ पे क्रेडिट है, नहीं हमने परचेज के साथ हमेशा वर्ड इनपुट ही यूज करना है, ठीक है ना, परचेज के साथ कभी वर्ड आउटपुट यूज नहीं करना, विद इन द स्टेट है तो सीजीएसटी एचजीएसटी, अब ये क्या है अब हमने दूसरी तरह की आउटसाइड द स्टेट, तो क्या नहीं बनेगी इसकी सप्लायर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, ये तो एंट्री है हमारी गुड्स रिटर्न करने की, और आउटसाइड द स्टेट है ना तो यहां पे क्या लिखेंगे टू इनपुट आईजीएसटी, तो ये तीनों ट्रांजेक्शन हमारी होगी परचेज के रिगार्डिंग। फिर से देख लीजिए सबसे पहले हमने गुड्स परचेज की विद इन द स्टेट, गुड्स परचेज करेंगे गुड्स आ गई डेबिट कार्ड पर से परचेज अकाउंट डेबिट, आपको पता है परचेज हमेशा डेबिट होती है जब भी हम गुड्स खरीदते हैं, उसके बाद विद इन द स्टेट है तो वन लिखेंगे इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट इनपुट एचजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश, यहां पे पार्टी का नाम लिया जो भी नाम लिया वो डाल देना, हमें उसकी वैल्यू दी होगी उसकी वैल्यू हमने डाल दिया परचेजेस में, जो उसकी वैल्यू दी है उसी को हम सीजीएसटी एचजीएसटी लगाएंगे और ये तीनों वैल्यू प्लस करके आ गए 11,200। उसी तरीके से हमने कुछ परचेज की आउटसाइड द स्टेट, अगेन एंट्री क्या लगेगी परचेजेस अकाउंट डेबिट, अब आउटसाइड द स्टेट पे क्या लगेगा इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश। अब हमने कुछ रिटर्न की सप्लायर को, तो सप्लायर होगा रिसीवर, रिसीवर को करेंगे डेबिट, एंट्री करेंगे सप्लायर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, अगर विद इन द स्टेट है तो इनपुट सीजीएसटी इनपुट एचजीएसटी, अगर आउटसाइड द स्टेट है तो इनपुट आईजीएसटी। अब इसी तरीके से तीन ट्रांजेक्शन मैंने सेल की दी है, अब हमने कुछ बेची एंट्री करेगी इसकी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, अब साथ में क्या विद इन द स्टेट है ना ये, तो क्या लिखेंगे साथ में टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एचजीएसटी, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था अभी पीछे तो हमने जो डिस्कस किया अभी थोड़ी देर पहले सेल्स के साथ हमेशा वर्ड क्या आएगा वर्ड आउटपुट, परचेज के साथ वर्ड यूज कर रहे थे इनपुट, अब सेल है ना तो हमेशा वर्ड का यूज करेंगे आउटपुट, तो एंट्री बन गई कैश अकाउंट डेबिट, मान लो कि आपको गुड्स की वैल्यू दी है
20,000, तो गुड्स की वैल्यू हमने डाली सेल्स में, अब उसी वैल्यू का आप 6% करते जाओ, 6% मान लीजिए आपका है 1200, तो यहां पे कितना आ गया 22,400 डेबिट। एंट्री बन गई हमारी कैश ऑन डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। जो गुड्स की वैल्यू दी है, जैसे यहां पे क्या किया, गुड्स की वैल्यू कहां डाली थी, सबसे पहले परचेज में उसी पे सीजीएसटी एसजीएसटी लगाया ना, वैसे यहां पे गुड्स की जो वैल्यू दी होगी वो डालेंगे सेल्स में और उसी के ऊपर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। अब उसी तरीके से नेक्स्ट आ गया फॉर सेल ऑफ गुड्स आउटसाइड द स्टेट, एंट्री आपको पता ही है क्या डलेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट आईजीएसटी, क्योंकि आउटसाइड द स्टेट है तो आईजीएसटी का बस। मैं दोनों को पैरेलल लाइन तभी लिखी ताकि आपको क्लैरिफिकेशन हो जाए, कंपैरिजन कर सको कि कहां पे डेबिट कहां पे क्रेडिट, कहां पे इनपुट कहां पे आउटपुट। ठीक है जी, आई होप कि आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो रहा है। ठीक है, अगेन मान लीजिए गुड्स की वैल्यू दी है 20,000, अब ये 6% भी कितना होगा 12%, 20,000 का 12% करके देखना आएगा 2400, तो ये आएगा 22,400। ठीक है जी, अब नेक्स्ट गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, कस्टमर ने रिटर्न किया तो हमारे पास गुड्स वापस आ गए, एंट्री क्या रहेगी विद इन द स्टेट, सेल्स को क्या था क्रेडिट, सेल्स को एक डेबिट, अब सेल्स को डेबिट किया ना तो साथ में क्या आएगा आउटपुट सीजीएसटी को डेबिट, क्रेडिट बन गई सेल्स डाउन को डेबिट, अब सेल्स को डेबिट किया, अब सेल्स डेबिट आ रहा हमारी तो चार लगेंगे विद इन स्टेट, तो आउटपुट सीजीएसटी कौन है आउटपुट एसजीएसटी कौन है टू कस्टमर, और यही अगर आउटसाइड द स्टेट हो तो एंट्री बनेगी रिटर्न की आउटसाइड द स्टेट पे क्या आएगा आईजीएसटी, एंट्री बाकी सेम है सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। तो ये हमारी परचेज और सेल की जो सारे के सारे टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए, अब हम क्या करते हैं दोनों का कंपैरिजन करके देखो आपको बहुत ज्यादा क्लैरिफिकेशन होगी। सबसे पहले परचेज, परचेज के टाइम पे परचेज डेबिट है तो जीएसटी भी क्या किया हमें डेबिट, विद इन स्टेट पे क्या बनती थी सीजीएसटी एसजीएसटी, साथ में परचेज के साथ बोला आएगा इनपुट, एंट्री बनती परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश या टू पार्टी का जो भी नाम दिया हो। गुड्स की वैल्यू दो दी होगी ऊपर चेंज पे डालेंगे उसी के ऊपर हम अपना डिस्काउंट का अपना जीएसटी निकालेंगे 600 जो भी परसेंटेज दी हो दूसरे अकॉर्डिंग, ये आंसर आ गया 11,200। अब गुड्स सेल की तो सेल को क्या करते हैं क्रेडिट, तो जीएसटी को भी क्या करेंगे क्रेडिट, विद इन द स्टेट आप डालेंगे सीजीएसटी एसजीएसटी और सेल्स के साथ हम वन यूज करेंगे आउटपुट, परचेज के साथ इनपुट सेल के साथ आउटपुट, परचेज डेबिट जीएसटी भी डेबिट सेल क्रेडिट पर जीएसटी भी क्रेडिट, विद इन स्टेट में सीजीएसटी एसजीएसटी, यहाँ पे विद इन स्टेट पर सीजीएसटी एसजीएसटी, तो गुड्स की वैल्यू डाली सेल्स है अगेन सीजीएसटी एसजीएसटी पहले कैलकुलेट करके डालेंगे यहाँ पे और तीनों का प्लस करके जो आ गया वो आ गया डेबिट का टोटल, आपको पता है डेबिट और क्रेडिट का टोटल हमेशा इक्वल ही आना चाहिए। इसके बाद परचेज ऑफ गुड्स आउटसाइड द स्टेट, आउटसाइड द स्टेट में क्या आएगा हुआ आईजीएसटी, परचेज इज नॉट डेबिट इनपुट आईजीएसटी नॉट डेबिट टू कैश, यहाँ पे गुड्स सेल की कैश नॉट डेबिट टू सेल तो आउटपुट आईजीएसटी, फिर से वही चीज परचेज डेबिट है तो जीएसटी भी डेबिट, सेल्स क्रेडिट है तो जीएसटी भी क्रेडिट, आउटसाइड द स्टेट है आईजीएसटी, आउटसाइड द स्टेट है आईजीएसटी, परचेज के साथ हुआ इनपुट और सेल्स के साथ के लिए आउटपुट। उसके बाद गुड्स रिटर्न की सप्लायर को अगर विद इन द स्टेट से रिटर्न किया है एंट्री बनेगी सप्लायर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न टू इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी, विद इन द स्टेट के लिए सीजीएसटी एसजीएसटी आ गया परचेज को क्रेडिट किया तो जीएसटी भी क्रेडिट है और परचेज के साथ हमारे आएगा हमारा इनपुट, और यहाँ पे विद इन स्टेट हमारे कस्टमर ने हमको रिटर्न की है
एलिमेंट शेयर इज नॉट अकाउंट डेबिट, इनपुट आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, सेल्स डेबिट है तो जीएसटी भी डेबिट। विद इन दिस स्टेट के कारण सीजीएसटी एसजीएसटी और सेल्स का हमेशा वर्ड का यूज करना है आउटपुट। इन द सेम वे अगर आउटसाइड द स्टेट रिटर्न की है एंट्री हमें बनेगी सप्लायर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न टू इनपुट एसजीएसटी, और यहां पे एंट्री बनके सेल्स अकाउंट डेबिट आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। तो बड़ी इजी आप देख सकते हो दोनों का कंपैरिजन और आप अपना क्वेश्चन को बड़े अच्छी तरीके से कवर कर सकते हो। अब सिर्फ दो एंट्रीज और हैं कि वो भी मैं आपको भी करवा देता हूं। सो नेक्स्ट है हमारा फॉर एक्सपेंस पेड। अब एक्सपेंस को क्या करते हो डेबिट, तो सीजीएसटी एसजीएसटी क्या करेंगे डेबिट, एंट्री बनेगी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश, इनकम रिसीव की एंट्री बना देगी कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम, इनकम क्रेडिट है तो इसके साथ बात आएगा टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी। तो एक्सपेंस डेबिट तो जीएसटी भी डेबिट, इनकम क्रेडिट तो जीएसटी भी क्रेडिट। एक्सपेंस और इनकम के साथ सीजीएसटी एसजीएसटी क्या है, उसमें आईजीएसटी का कंसेप्ट है ही नहीं। एक्सपेंस के साथ हमेशा वर्ड यूज करना है इनपुट और इनकम के साथ हमेशा वर्ड यूज करना है आउटपुट। तो ये था आज का हमारा कॉन्सेप्ट जीएसटी के रिगार्डिंग, जीएसटी की जनरल एंट्री में किस तरीके से ट्रीटमेंट करनी है। तो इस वीडियो में हमने इनकी ट्रीटमेंट समझी है। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग किस तरीके से न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व करना है वो हम सीखेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को मैं शुक्रिया करता हूँ वीडियो को देखने के लिए। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो कैसी लगी लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं आप लोगों के लोगों। और आज के दिन की आपको शुभकामनाएं, आज जन्माष्टमी है, भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन है, तो उसकी आपको बहुत बहुत बधाइयां हो। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।